चलिए तैयार हो जाइए और एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय। क्यों? ताकि खूब अच्छे से समझ में आए। आज नवरात्र है ना, पहला दिन है ना। कितने लोग व्रत हैं? रितिका नहीं आई है? नहीं आई है। आप भी है? नहीं। चलिए अगर है तो भी अच्छी बात है और नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप लोगों का पढ़ने का खाने पीने का समय है, है ना। अगर अभी से पूजा पाठ में ध्यान करते व्रत है तो भी ठीक है, ठीक ना। चलिए आप सभी लोगों को दुर्गा माता का आशीर्वाद हो, सरस्वती माता का आशीर्वाद हो कि खूब अच्छे से यह आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग दो का, तीन का, चार का और पांच का, इन चार संख्याओं का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना, कौन सा नियम? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम। कौन कौन नियम? दो, तीन, चार, पांच। अब किसका नंबर है? छह का, सात का, आठ का, नौ का, ठीक। तो चार हम लोग पढ़ लिए हैं, चार आज पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो चार है ना स्टार्टिंग के, ये तो बहुत इजी थे, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक ना। इसलिए ध्यान से समझिएगा और देख समझिए और थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप हो तो बता दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि कभी कभी आप हो जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं सिक्स का, सिक्स का नियम क्या है, ठीक। तो सिक्स का नियम ये है, जैसे हम मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक ना, जैसे 636, चलो कर लेते हैं 636। यह जो नंबर है, आज छोड़ दो, दूसरा बता देते हैं 639, ठीक है। यह नंबर आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं? अगर 6 से हम इस संख्या में भाग दें तो बताइए कि पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा? नहीं, नहीं, नहीं होगा। कैसे मालूम नहीं होगा? जब डिवाइड करेंगे तब ना पता चलेगा। तो नहीं, हमको डिवाइड नहीं करना है, मैजिक से बताना है। कैसे? मैजिक से, जादू से, बिना डिवाइड किए बताना है। तो देखिएगा मैजिक क्या है, कह रहा है सिक्स से ना, आप सिक्स से डिवाइड मत करिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप इसको टू से और थ्री से डिवाइड करिए, टू से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा नहीं। टू से डिवाइड होगा नहीं। थ्री से डिवाइड होगा नहीं। तो थ्री से डिवाइड का नियम क्या है? तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ठीक। तो 6 3 9 9 18, 18 तीन से क्या है? डिविजिबल है। तो तीन से तो कटेगा, लेकिन दो से काटने का नियम क्या है? यह इकाई क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, दो से कटने वाली होनी चाहिए, इसमें बताए हैं ना। तो दो से ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यह जो नंबर है दो से नहीं कटेगा, लेकिन तीन से कटेगा, कटेगा ना। अगर किसी एक से कट रहा है तो वह संख्या 6 से नहीं कटेगी, या 6 से कब कटेगी? जब 2 से और 3 से दोनों से कटे, जब दोनों से कटेगी तब वह संख्या 6 से कटेगी। जैसे सर 2 और 3 ही रहेगा, दूसरा नहीं है। नहीं, 2 और 3 ही से चिक करना है, 6 के नियम में 2 और 3, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है ना, प्राइम फैक्टर, तो 2 और 3 से ही चिक करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 6 से डिवाइड करना है 9 5 4 954 है ना। यह संख्या 6 से पूरा का पूरा डिवाइड है या नहीं, 6 से कटेगी या नहीं कटेगी,
तो आप 6 से मत चेक करिए, ठीक ना, आप 2 से चेक करिए और 3 से चेक करिए। बताइए कि यह संख्या 2 से पूरा का पूरा कटेगी या नहीं? यस सर। कटेगी ना, क्योंकि 2 से काटने का नियम क्या है, इकाई का अंक सम संख्या हो, सम संख्या है, इसका मतलब कि 2 से कटेगा। 3 से पता करिए, तो 3 का नियम क्या है, इन सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे हम तो 9 सब 54 है ना, जोड़ दीजिए कितना होगा, 9 5 14 4 18, फिर जोड़ दीजिए तो 8 1 9। 3 से काटिए, 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब है कि 9 कट रहा है तो आपका 18 भी कटेगा, और 18 कटेगा तो यह आपका 954 भी कटेगा, तो यह 3 से भी कट गया ना। बताइए कि यह संख्या हमारी जो है 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, समझ रहा है, ये संख्या 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई ना। तो जब दोनों से संख्या कट गई तो यह संख्या जो है आपका 6 से कटेगा, ये पक्का है। 6 से काट के देखिए, 6 1 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 5 को उतार दीजिए, 6 5 35, हाँ 6 5 30 ना होता है, तो कितना बचेगा, 5 कैंसिल हो गया, 4 को उतार दीजिए, 6 9 54 69 जा, कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। तो आप लोगों को 6 का नियम यानी कि 6 का रूल मालूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे पहले समझ लीजिए, फिर हम लिखा दे रहे हैं, ठीक ना। तो 6 वाला समझ लिए ना, चलिए 7th वाला समझना है, इसको थोड़ा सा नोट ही कर लेते तो अच्छा रहता, एक बार नोट कर लीजिए। जो आपका 7th का नियम है ना, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक ना, इसलिए 7th का नियम अच्छे से समझिए। 6 को एक बार नियम इसका लिख लीजिए, 6 का नियम क्या है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। नियम आपका क्या है 6 का, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, बोथ नंबर्स, दोनों से जो आपका नंबर है यह नंबर शुड बी डिविजिबल, शुड बी डिविजिबल का मतलब विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए, बाय बोथ 2 and 3, यहां बोथ दिया है, बोथ 2 and 3 यानी कि 2 और 3 दोनों से यह डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए अब 7th का देखिए, नोट कर लीजिए फर्स्ट सेट्स को, आपका हिंदी में क्या है संख्या, यानी जो संख्या दी गई है, ठीक है ना, यहां लिख दे रहे हैं दी गई संख्या, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए 7th का रूल देखिए, सात का नियम है, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, ठीक ना, इसको एक बार लिख करके आप लोगों की इसकी मीनिंग समझा दे रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है आपका 7th का नियम, ठीक ना। 7 का नियम क्या है, ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इसकी पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं क्या कह रहा है, अगर हम इसकी मीनिंग समझ लेंगे तभी ना नियम को फॉलो करेंगे। तो समझिए क्या कह रहा है, ये जो 8 और 9 दिया है ना, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, 8 और 9 का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए, डबल द वंस डिजिट, ध्यान से समझिएगा, डबल, डबल मीन्स कहते हैं कि डबल कर दीजिए, तो डबल कर दीजिए का मतलब दुगुना कर दीजिए, क्या करेंगे,
उसका दो गुना कर देंगे। तो डबल द किसको डबल करना है? वंस डिजिट। वन वंस कौन होता है? वंस टेंस हंड्रेड होता है ना, तो जो वंस है उसको डबल कर दीजिए। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ बता दे रहे हैं, ये आपका कोई नंबर है 532 532 है ना, तो इसमें बताइए कि वंस कौन है? टू। वंस कौन है? टू है ना, यह आपका वंस है। तो कह रहे कि डबल द वंस डिजिट, यानी कि जो इसमें वंस है इसको डबल कर दीजिए। तो जब हम टू का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। सिर्फ इसी का डबल करना है, वंस का ही डबल करना है। तो वंस का डबल कितना होगा? 4। अरे भाई 2 रुपया है, 2 रुपया का डबल करेंगे तो कितना रुपया होगा? 4 ही रुपया होगा ना। तो 2 का डबल करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब इस 4 को क्या करना है आगे समझिएगा। डबल द वंस डिजिट, वंस का डबल कीजिए एंड सबट्रैक्ट इट। सबट्रैक्ट इट, और इट माने इसको, किसको? 4 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। सबट्रैक्ट इट, इसको घटा दीजिए। किसमें से घटा दें? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट का मतलब शेष। रेस्ट का मतलब क्या होता है? शेष। ये आपका नंबर है, इसमें से हमने 2 का डबल कर लिया, 4 हो गया। तो जब 2 को हम यहां से अब हटा देंगे तो कितना बचेगा? कौन बचेगा? 53 बचेगा ना, 53। तो आप इस 53 में से इसको माइनस कर देना है, इसी बात को कह रहा है। सब्ट्रैक्ट इट, इसको माइनस कर दीजिए। कहां से? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि 2 को हटाने के बाद हमने 2 का डबल कर दिया। अब 2 को हटाने के बाद शेष नंबर कितना बचा हमारा? 53। इस शेष नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए। तो इसमें से इसको माइनस करिए तो कितना होगा? 49 होगा ना। ये कितना हो गया? 49 हो गया। अब बताइए कि 49 जो है आगे क्या कर रहा है? इफ ये कितना आ गया हमको, कितना मिला? 49 मिला। तो रिजल्ट कितना हुआ? 49 हुआ। कह रहा है इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल, यानी कि जो आपका रिजल्ट मिला है 49, अगर यह 7 से डिविजिबल है तो आपका नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इट शुड बी डिविजिबल बाय 7। इट का मतलब गिवेन नंबर, यहां कर दे रहे हैं और स्पष्ट हो जाएगा। गिवेन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, कंफर्म है ना। तो जो आपका दिया हुआ नंबर है वह 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां 7 से डिविजिबल करिए, 7 जा 49 डिविजिबल है। तो जब यह डिविजिबल है तो हमारा दिया हुआ नंबर कितना है? गिवन नंबर क्या है? 532, यही है ना। यह आपका 7 से डिविजिबल होगा, करके देख लेते हैं, ठीक ना। 7 जा 49 होगा ना, इसको माइनस करिए। 13 में से 9 जा, यानी कि 13 में से 9 जा 4, 4 बचेगा, एक कैंसिल हो गया। 2 को उतार दीजिए, 7 × 6 = 42 कितना होता है? 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42 कट रहा है ना। तो बताइए कि यह नियम सही है कि गलत है? सही है ना। एक बार फिर इसको समझ लीजिए, डबल द वंस डिजिट, यानी कि जो वंस है लास्ट वाला कोई भी नंबर हो, लास्ट वाला नंबर डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद जो शेष बच रहा है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। सर अगर 0 होगा तब लास्ट, 0 होगा तो 0 का डबल करेंगे तो 0 होगा, 0 को माइनस करेंगे, ठीक ना। तो इसको हम माइनस कर देंगे, क्लियर। अब माइनस करने के बाद क्या मिल रहा है रिजल्ट? 49। अगर यह 49 7 से डिविजिबल है तो आपका गिवेन नंबर 532 भी
सेवन से डिविजिबल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा रूल लंबा है ठीक ना, लेकिन इसको सीखना ही पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और जो दो नियम बच रहा है सिक्स और सेवन तो हो गया ना, आठ और नौ का जो नियम बच रहा है इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे ठीक ना।